दीपा ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम उपटन बना रहे थे। तो उपटन बनाने के लिए हमने ये एक चम्मच भर के गेहूं का आटा लिया, जिससे हम रोटी बनाते वो आटा है ये। और इसमें हम ये जो मलाई हम दूध की निकालते हैं ना, जिसका घी बनाते हैं, वो मलाई भी ऐसे इतनी डाल देंगे। ये आधी चम्मच से कम है, तो ऐसे हम इसमें ये मलाई भी डाल देंगे। ये उपटन फेस के लिए बना रही हूँ मैं, फेस पे, गर्दन पे लगाने के लिए। आप इसको फेस पे, गर्दन पे, हाथों पे लगा सकते हैं। इससे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा और आपकी त्वचा एकदम से मुलायम, सॉफ्ट, अच्छी हो जाएगी। जो आपकी स्किन पे धूल वगैरह जम जाती, गंद, वो निकल जाएगी। इतना सा हमने चने का आटा लिया है, जो बेसन रहता है ना वो लिया है। ये भी ये छोटी चम्मच से आधी चम्मच होगा। तो इतना हमने बेसन ले लिया है। तो इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। तो आपको अगर गर्म करती हो हल्दी तो आप अपने हिसाब से डालें। तो इतनी हमने ये आधी चम्मच से कम हल्दी ली है। ये जो खाने में डालते हैं हम हल्दी सब्जी में, वही हल्दी है। अब इसको हम थोड़ी सा मिक्स करके देखते हैं, फिर थोड़ी सा दूध डाल लेंगे। ये हमने ठंडा दूध रखा है, पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें मिक्स हो गया है, अब इसमें हम एक चम्मच से भर के, डेढ़ चम्मच दूध हो गया हमारा, क्योंकि एक चम्मच भर गए और थोड़ी सा नीचे गिर गया, तो ये डेढ़ चम्मच के करीबन दूध हो गया है। इसको लगाने से बहुत अच्छी स्किन हो जाएगी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत डरनेस हो रही है। अभी यहाँ तो अहमदाबाद में बहुत धूप है, तो उसके कारण से बहुत जल सी रही है स्किन। इसे स्किन के लिए मैंने बना लिया है। तो इसको आप गर्दन पे, हाथों पे, पैरों पे, फेस पे लगा सकते हैं। तो ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं उपटन। और आप भी इसे उपटन को गर्मियों में, सर्दियों में 12 महीना लगा सकते हैं, इसका कोई रिएक्शन नहीं है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।